जी वेलकम बैक ए प्लस की ट्रांसमिशन पे। और आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा मौजू, मेरा पसंदीदा मौजू है, क्योंकि तहकीक करना, रिसर्च करना इंसान के मिजाज में है, इसको पॉलिश किया जा सकता है। दुनिया में हर मौजू पे रिसर्च हुई है, साइंस पे, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंसेज, तमाम के तमाम मौजूआत पे रिसर्च हुई है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मज़े की रिसर्च है वो इंसान के रवैयों पे रिसर्च है, कि कौन से रवैये हैं जो इंसान को कामयाब बनाते हैं, कौन से रवैये जो इंसान को नाकाम बनाते हैं। इसी तरह एक जर्नलिस्ट था, आप जानते हैं, एक अच्छा सहाफ़ी, उसके पास तहकीक का एक मिजाज और मादा होता है और वो कहीं ना कहीं रिसर्च करता रहता है। एक जर्नलिस्ट था जिसका नाम नेपोलियन हिल्स था, और आज से 100 साल पहले नेपोलियन हिल्स ने एक एक्टिविटी स्टार्ट की अपने मैगजीन के लिए जिसमें वो जॉब करता था। नेपोलियन हिल्स ने इंटरव्यू लेने शुरू किए और ये कामयाब लोगों के इंटरव्यू थे, ये अगेन हर फील्ड के कामयाब लोग थे। इंटरव्यू लेता लेता नेपोलियन हिल एक ऐसे शख्स के पास चला गया जो उस वक्त का बिल गेट्स था। अब बिल गेट्स को आप जानते हैं कि दुनिया आज बिल गेट्स को दुनिया का अमीर तरीन शख्स कहती है, उसके पास मालो असबाब की इंतहा है। उस वक्त के बिल गेट्स का नाम था एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी स्टील इंडस्ट्री का बेताज बादशाह था। एंड्रयू कार्नेगी का खजाना माल इतना ज्यादा था कि जब इसने अपनी रिटायरमेंट यानी खत्म करने के बाद, जॉब एक्टिविटीज खत्म करने के बाद अपना माल बांटना शुरू किया, तो बिलियंस की मकदार में इसने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया और कहा कि मेरे तमाम की तमाम चीजें, एसेट्स जो उनसे हैं, वो गवर्नमेंट इनसे फायदा उठा सकती है। नेपोलियन हिल्स इंटरव्यू लेने चला गया एंड्रयू कार्नेगी का, और इंटरव्यू ये था कि सर आपने आगाज किया था अपनी जिंदगी का एक मजदूर की हैसियत से, आप गदाल पकड़ के, बेलचा लेके, हथौड़ी लेके, पेचकस लेकर शहर को आए थे, लेकिन कमिंग डेज में आप तरक्की करते करते मजदूर से एक सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से आप एक एरिया के विंग के हेड, हेड से मैनेजर, मैनेजर से आखिरकार मालिक, और मालिक से अमेरिका के अंदर, अमेरिका जैसे मुल्क में आप पूरी अमेरिका की स्टील इंडस्ट्री का 33% प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतने आपने पैसा बना लिया आपने, तो राज बताइए क्या। इंटरव्यू लेते लेते एक अजीब वाक्य पेश आया। वाक्य ये पेश आया कि एंड्रयू कार्नेगी ने ऑफर की नेपोलियन हिल्स को कि आप मेरा इंटरव्यू ले, क्यों ना इस वक्त के जितने अमीर कबीर कामयाब तरीन लोग हैं सबके इंटरव्यू लेने की परमिशन मैं आपको दिलवा दूं। तो नेपोलियन हिल्स ने कहा क्यों नहीं, आप मुझे परमिशन दे दीजिए। परमिशन की बात हुई तो साथ ही में एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि मैं आपको अपने लेटर हेड पर लिख के दे दूंगा, और आप उस लेटर हेड को लेकर जाओगे अपने वक्त के कामयाब लोगों के पास, आपको कामयाबी का राज पता लग जाएगा। अंदाजा लगाइए कि वो लेटर हेड जो लिखे गए वो उस वक्त के कितने कामयाब लोगों के पास गए, उनमें से कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा। आप सब के सब नाम को जानते हैं, एडिसन, एक लेटर जोन्स है वो एडिसन के नाम लिखा गया कि एडिसन जोन्स है, उसका इंटरव्यू भी लिया जाए। एक लेटर जोन्स है वो ब्रिजस्टोन के नाम लिखा गया। इसी तरह बेशुमार लोग थे जिनके नाम ये लेटर लिखे गए, और नेपोलियन हिल्स को मौका मिल गया रिसर्च करने का। अब आज का सवाल आप सबके सामने ये है कि कामयाबी का, खुशहाली का राज अगर पता लगा होगा 19 साल की रिसर्च के बाद, तो आपके ख्याल में वो सीक्रेट्स क्या हो सकते हैं, आप में से कोई बताना चाहेगा खुशहाली, कामयाबी के 19 साल की रिसर्च, दुनिया के कामयाब तरीन लोगों पर रिसर्च करने के बाद खुशहाली के राज हमें क्या पता लगे? मेरा नाम नहीद है। मेरा नाम जी जी मेरा नाम नहीद है, और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सबसे बेहतरीन है कि उन्होंने मेहनत से स्टार्ट किया था, एक मजदूर की हैसियत से स्टार्ट किया था, वो मेहनत करते गए तो सबसे बेहतरीन, आपका कहना है मेहनत राज था, इसकी वजह से उन्हें कामयाबी मिली। इन्हें इनाम दीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि मेहनत किसवें नंबर पे आती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। और कोई ये दे दीजिएगा जी। रिजवान मेरा नाम है जी। जी और सर मेहनत के साथ अगर इंसान मुसलसल क्या नाम, अगर उसका जो मुकद्दर है वो भी उसका साथ दे तभी चीजें मुमकिन है। मुकद्दर पे अगर इंसान का साथ दे तभी मुमकिन है। अच्छा, वरना कुछ लोग हैं साथ दे जी जी, वरना सर कुछ लोग हैं जिस तरह, मतलब क्या नाम, रस्तु कहते हैं कि जो इंसान के साथ अलमिया है वो दो तरह का है, एक इंसान उसका खुद जिम्मेदार है, दूसरे दूसरे लोग हैं। बहुत दफा इंसान कोशिश करता है लेकिन इंसान का जो मुकद्दर है उसका साथ नहीं देता। बिल्कुल ठीक हो गए, इनको भी इनाम दीजिएगा जामे शीरी का तोहफा, इनके बड़ा फलसफी भाई है ये, तो इनके लिए तालियां भी हो जाए जी। आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है कामयाबी? बहुत जरूरी होती है सक्सेस के लिए डिटरमिनेशन। डिटरमिनेशन, बड़ा करीब करीब चले गए, बिल्कुल सही जवाब जी। इनको भी इनाम दीजिएगा मैक्स का, लेमन मैक्स का, तोहफा साथ जाएगा। अच्छा, अब आपको बताते चलें कि जब रिसर्च मुकम्मल हुई और ये किताब की शक्ल में पब्लिश हुई
1938 में किताब आई थी, और इस किताब की खास बात यह है कि कामयाबी के मौजू पे अब तक लिखी जाने वाली किताबों में इस किताब को अथॉरिटी की हैसियत हासिल है और कई जुबानों में तर्जुमा हो चुकी है और इसके साथ साथ करोड़ों कॉपियां इसकी बिक चुकी हैं। इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। आज टाइटल में आप इसको देख भी सकते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच। 1938 तक अब तक ये बेशबहा दफा छप चुकी है, कई जुबानों में छप चुकी है, और ये 19 साल की रिसर्च के बाद उन्हें पता लगा कि जिस चीज को हम किस्मत कह रहे होते हैं, दरअसल किस्मत भी इन चीजों का नाम होता है जिनको हम किस्मत कह देते हैं, क्योंकि लोग ये खूबियां पैदा नहीं करते तो वो किस्मत को इल्जाम देने लग पड़ते हैं। किस्मत जब भी पैदा होती है, याद रखिएगा, वो खूबियां आप में आ जाती हैं जिसकी वजह से आप ग्रो करने लग पड़ते हैं। बाज़ लोग दिल करता उनका बड़ा बुरा किया जाए, लेकिन मैंने थोड़ा सा उन पे तहकीक करके देखा है, वो खुद ही काफी होते हैं अपने साथ बुरा करने के लिए, उनके साथ बुरा करने को दिल नहीं करता। पता लगता है कि वो इतने जालिम इंसान है, अपनी जान पे, अपने फ्यूचर पे, अपनी जात पे इतना सितम करते हैं और उसको वो किस्मत का नाम देते हैं। अब देखिए रिसर्च क्या थी। पहला पॉइंट उन्हें पता लगा कि कामयाबी के लिए ख्वाहिश काफी नहीं है, आपके पास बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। और नेपोलियन हिल्स यहां पर मिसाल देता है कि जैसे तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी कश्तियां जलवा दी थी कि कोई पीछे मुड़ के जाए ही ना, सामने जीतना है, मरना है, लेकिन वापस नहीं मुड़ना। जिसके पास बर्निंग डिजायर नहीं होती वो कभी कामयाब नहीं होता। और देखा गया कि जिसके पास भी बर्निंग डिजायर होती है, कुदरत का निजाम ऐसा निजाम है, इस पे एक बड़ा शानदार नॉवल भी लिखा गया है, कि पूरी कायनात उस बंदे को रिस्पॉन्स करने लग पड़ती है जिसके पास जज्बा सच्चा होता है, और इस नॉवल का नाम है अल्केमिस्ट। पायलों का ये नॉवल जोन सा, ये कुरान पाक की उस आयत कि आप कोशिश करते हैं तो कोशिश का नतीजा आपको मिलता है, ये उसी को सेकंड करता है और आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। सेकंड सर, यहाँ पे ना एक कॉलर हमारे आपसे बात करना, जी जी जरूर, उनको लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप कासिम शाह से? जी, मैं कासिम साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये सोच और कामयाबी के हवाले से बात कर रहे हैं, और हर इंसान जो है वो कामयाबी के लिए ही सोचता है, उसके अलावा वो सोचता ही नहीं, नाकामी के लिए भी कोई नहीं सोचता। लेकिन क्या ऐसा नहीं होता कि सोचने से कामयाबी बहुत दूर चली जाती? क्या आपको सवाल समझ आया? क्या 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 कहा है आपने? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि सोचने से कामयाबी दूर नहीं चली जाती, सोचने से कामयाबी दूर नहीं चली जाती। अच्छा, आप, मेरा सवाल ये कि वल्लाहु अलम आप किस पैराडाइम में ये बात कह रहे हैं, लेकिन दुनिया में किसी भी चीज को पहले सोचा जाता है तो वो बनती है। भाई दो मैकेनिक, साइकिल मैकेनिक सोचते ना हवा में उड़ना तो दुनिया को हवाई जहाज भी ना मिलता। दो भाई जो उनसे साइकिल मैकेनिक से शुरू करके हवाई जहाज के सफर तक ले जाते हैं। हाँ। कोई ना सोचता कि रात की तारीकी को खत्म करने के लिए बल्ब चाहिए, सोचता ना तो बनता भी ना। आप जिस सोचने की बात कर रहे हैं वो सोचना, फकत सोचना है, ये सोचना है आइडिया के साथ कि आपने नए आइडिया के साथ काम करना है। सेकंड जो उन्हें वजह पता लगी, उन्हें पता लगा ये सब के सब कामयाब लोगों के पास यकीन होता है, एब्सोल्यूट फेथ। क्योंकि मेहनत करने से पहले जब यकीन होता है तो आप मेहनत करते हैं, अगर आपको खुद ही यकीन नहीं है, आपके पास यकीन नहीं है, तो मेहनत करने को दिल भी आपका नहीं करता। तीसरी वजह पता लगी कि ये सब के सब लोग सेल्फ टॉक करते हैं। सेल्फ टॉक का मतलब ये खुद के साथ मुस्बत बातें करते हैं। याद रखिएगा, आपकी दो तरह की कम्युनिकेशन है, एक बातचीत वो है जो दूसरों के साथ आप करते रहते हैं, और कुछ बातचीत ऐसी होती है जो आप अपने साथ करते हैं। जो आप अपने साथ करते हैं ये आपके यकीन को पुख्ता करती है। अगर आपने अपने यकीन को पुख्ता करना है तो अपने सेल्फ टॉक को आप पॉजिटिव कर लीजिए। फोर्थ रीजन जोन सी थी वो स्पेशलाइजेशन थी। फिफ्थ रीजन जोन सी थी वो इमेजिनेटिव थे, ख्वाब देखते थे और ख्वाबों को फिर पूरा करते थे। छठी वजह, ये सब के सब प्लानिंग पे मेहनत करते थे। याद रखिएगा, अगर आपने प्लान अच्छा नहीं किया तो वक्त जो जाया होगा वो उसका कौन जिम्मेदार होगा, अगर आपने प्लानिंग अच्छी की है तो आप ज्यादा कामयाब होंगे। सेवंथ रीजन ये थी, ये सब के सब मेहनत करने वाले लोग थे। सेवंथ नंबर पे एफर्ट आई। एट्थ नंबर पे ये सब के सब इस्तकामत वाले थे, जिस वजह से आपको इनाम मिला है। नेक्स्ट रीजन जोन सी थी, मास्टर माइंड पे काम करते थे। ये अक्सर आप नोट करें, हम ब्रेक में कभी होते तो मैं बात कर रहा होता हूं कि अगर आपने कामयाब होना है तो अपना अलायंस बनाएं, एक तरह के सोच के लोग आप इकट्ठे करें। अगर आपके पास एक सोच के लोग नहीं है, अलायंस नहीं है, मास्टर माइंड नहीं है, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापिस आते हैं। जी, और आज हम बात कर रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच, जो नेपोलियन हिल्स की मारूफ किताब है, कई जुबानों में इसका तर्जमा हो चुका है, और ये किताब कामयाबी के मौजू पे लिखी जाने वाली पहली किताब है।
जिसमें बताया गया कि कामयाब लोग जो खुशहाल लोग हैं जो ग्रो करते हैं किसी भी फील्ड में उनमें खूबियाँ कौन सी पाई जाती हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक खूबी मैं बात कर रहा था इमेजिनेशन। ये ख्वाब देखते हैं इमेजिनेटिव होते हैं और इमेजिनेशन की खूबी की वजह से ग्रो करते हैं। लास्ट इस खूबी की बात मैंने की थी मास्टर माइंड था। मास्टर माइंड का मतलब ये है कि आप जब भी अपनी ही फील्ड के लोगों से बातचीत करते हैं तो बाज़ुकात एक ही तरह के आइडियाज आते हैं, आउट ऑफ बॉक्स कोई बात नहीं होती। जब भी आपका सर्कल वर्सटाइल होता है, रंग रंग के मिजाज के दोस्त आपके होते हैं जिनकी फील्ड्स डिफरेंट होती हैं, आप उनके साथ बैठते हैं आइडियाज एक्सचेंज करते हैं तो आपका ओपिनियन बनता है, उस ओपिनियन में जान होती है और जितना ज्यादा आपके आइडियाज में जान होती है यानी यकीन होता है उतना ज्यादा आपकी कामयाबी भी यकीनी हो जाती है। आप बड़ी दुनिया मैं बड़ी एक पुरानी बात है मुझे वाकया याद आ रहा था, मैं अभी बंदी साहब से शेयर करने लगा था, मैं ऑनली शेयर करता हूँ। इश्फाक साहब के ड्रामाज किसी जमाने में क्या बात है जी, तोता कहानी और मन चले का सौदा। अच्छा मैं कभी कभी सोचता था बचपन में कि बड़ी दुनिया जिन्होंने वो डायलॉग्स और बातें बोली हुई हैं वो सूफी नहीं बने, वो कामयाब नहीं हुए। तो मुझे पता लगा कि आप दुनिया के बेहतरीन टॉनिक की कूली करके फेंक देना उसका फायदा नहीं होता जब तक वो खलक से नीचे ना उतरे। आपको आपके अपने इलम पे यकीन नहीं है ना तो याद रखिए दुनिया का कोई बंदा कोई बाबा भी आपको कामयाब नहीं कर सकता। कामयाबी के लिए वो फेक होना बड़ा जरूरी है और कहीं ऐसा होता है मैंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं सिर्फ अच्छी बातों को याद करके कह देने से अगर प्रैक्टिकली अमल नहीं हुआ तो कोई तब्दीली जिंदगी में कोई नहीं आती। सो ये सब की सब बातें बर्निंग डिजायर हो, फेथ हो, सेल्फ टॉक हो, स्पेशलाइजेशन हो, इमेजिनेशन हो, प्लान हो, एक्शन आपने लेना है, इस्तकामत आपके पास होनी चाहिए, मास्टर माइंड होना चाहिए और साथ ही साथ में नेक्स्ट स्किल बताऊंगा। ये सब के सब लोग अपनी इमोशंस को शिफ्ट करते थे एक जगह से दूसरी जगह। लाइक गुस्सा बड़ी खतरनाक चीज है, गुस्से को अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना आता है किसी और जगह पे आप ज्यादा ग्रो करते हैं। अगर आपको गम है और गम आपका, वो बड़ा शानदार जुमला, छोटे इंसान को गम खा जाता है बड़े इंसान को बना जाता है। अगर आपको अपने गम को शिफ्ट करना आता है, गम को प्रोडक्टिव बनाना आता है, गम को आप ईमान की तरफ ले जाते हैं, गम को अल्लाह पे तवक्कल की तरफ ले जाते हैं तो गम भी एनर्जी बन के आपको आगे ले जाता है, बढ़ा देता है। सो ये तब सब के सब लोग अपनी इमोशंस को फीलिंग्स को ट्रांसफॉर्म करना जानते थे, ये एक जगह से इमोशंस को पकड़ते थे और दूसरी जगह लगा देते थे। साथ ही साथ इनकी सबकी जो स्किल थी ये अपने माइंड को अनकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते रहते थे, ये चीजों के मानी निकालते रहते थे। एक बड़ी अच्छी स्किल मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी पीछे मुड़ के देखा करें ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों था, ऐसा क्या चल रहा था, इसमें कुदरत की हिकमत क्या थी, इसका अच्छा पहलू क्या था। आपको वो फुकरा कहते हैं कि अगर समझ आ जाए जिंदगी की तो इंसान के पास गिला बचता ही कोई नहीं है, क्योंकि कुछ आपकी मर्जी है और कुछ आपके रब की मर्जी है। अपनी मर्जियों पे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी मर्जियों पे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसकी मेहरबानी उसने अपनी मर्जी चलाई। कॉलर एक साथ है तो उसका सवाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है उमर, आप क्या पूछना चाह रहे हैं कासिम अली शाह साहब से? जी मैं कासिम साहब से एक सवाल मेरा है, मैंने हमेशा जब भी कोई काम करने का इरादा किया है हमेशा सोच के प्लानिंग करके, वो चाहे एजुकेशन हो या कोई कारोबार हो, हमेशा नाकामी मिलती है और बड़ी ईमानदारी से और दयादारी से करता हूँ लेकिन वो मुझे कामयाबी नहीं होती। तो मैंने ये पूछना है तो उसमें मेरी क्या ऐसी कमी रह जाती है कि मैं मतलब उस तरह नहीं कर पाता, काम तो पूरा नहीं होता। बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा आपके सवाल के जवाब में एक हदीस का मफहूम बताना चाहूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम ये है कि अल्लाह अगर किसी पे अपना कर्म कर दे तो कर्म करने के बाद उसकी आंख को उसी पे खोल देता है कि मेरी गलतियाँ क्या हैं, मेरी कोताहियाँ क्या हैं, वो ज़ात के टोए टिब्बे कौन से हैं, मैं कहाँ गलती करता हूँ और उस गलती की वजह से क्या मुझे नुकसान फिर उठाना पड़ता है। जब भी आप किसी प्लान में किसी प्रोजेक्ट में किसी ख्वाब को पूरा ना कर सकें तो ढूंढे गलती कहां पर हुई, वो जो गलती थी ना वो भी आपकी अर्निंग है। कहीं इंसान जीतता है और कहीं इंसान सीखता है, क्योंकि इंसान गलती करके सीखता है। दुनिया में सुकरात कहा करता था दुनिया का सबसे ज्यादा बेवकूफ इंसान वो है जिसकी गलती से वो ना सीखे दुनिया उसकी गलती से सीखे। अगर आप अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दें आपको बड़ी दुनिया मिलेगी। मैं बड़े ऐसे लोगों को दोस्तों को जानता हूं जिन्होंने कर्जे लिए और डूब गए, मैंने तोबा कर ली, मैंने कहा या बारी ताला जो मेरी चादर है उसी में पांव फैलाने हैं, और कभी कभी चादर बड़ी भी कर लेनी चाहिए ज्यादा पांव फैलाने के लिए, लेकिन कभी भी आपको जो है नहीं उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक खेलना सीखें। जब भी अपनी गलतियां ढूंढेंगे तो आपको पता लगेगा कि बाहर इतनी रेजिस्टेंस नहीं है। वो शायर का शेर है कि मैं खुद ही हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ,
मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। वाह, जब आप अपने दुश्मन की गोद में जब आप ढूंढ लेते हैं कि असल मेरी दुश्मनी दुश्मनों के साथ नहीं है, मेरी तो अपने साथ दुश्मनी है, बिल्कुल सही। तो आप क्या करते हैं, आप तौबा करते हैं और उसके बाद बेहतरीन अमल ये होता है कि आप कहते हैं फरा अब आप जो चाहें आप करें। आपने देख लिया कि मेरी नजरें किचन की तरफ जा रही हैं और उसका एक ही मतलब होता है कि डालडा किचन की तरफ जाना है हमने और हुमा ने बनाई हुई है रेसिपी। फरहान भी आप यहाँ बैठे हुए और किचन वहाँ है, ये कैसे? तो कासिम शाह अली साहब की बात में इतना महब हो गया था, महब हो गए थे बिल्कुल खूबसूरत। लेकिन कासिम अली शाह के लिए बहुत सारी तालियां। बिल्कुल हाँ जी।